वालेकुम फ्रेंड्स वेलकम टू तो फूड विद निमरा चैनल तो कैसे हैं आप सब उम्मीद है कि आप सब बहुत ही मज़े में होंगे और मेरी वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे आज मैं आप सबके साथ बहुत ही अच्छा और ना ज़बरदस्त सा व्लॉग शेयर करने वाली हूँ की नियाज का ये व्लॉग होने वाला है ये बहुत ही ये परफेक्ट रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी की पूरी चनों वगैरह की तो आप लोगों ने कम्प्लीट वीडियो वॉच करनी है और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे ना तो फिर आप लोगों ने जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर देना है तो अच्छा ये व्लॉग मैं बना रही हूँ अपनी खाला के घर पर यानी कि हमारी के घर पर ना बहुत ही किया जाता है कुंडे की न्याज का तो सोचा क्यों ना आप सबके साथ भी ना ब्लॉग शेयर कर देती हूँ और ना उनकी रेसिपीज आप सबके साथ शेयर करती हूँ अपनी रेसिपीज तो मैं शेयर करती ही रहती हूँ तो आज मेरी ये खाला की रेसिपीज होने वाली है। अच्छी तमाम रेसिपीज जो होने वाली है ना ये हमारी बहुत ही रिवायती रेसिपीज़ हैं बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपीज़ हैं जो हमारे खानदान में चलती आ रही हैं है मैं जैसे नानी पर नानी दादी पर दादी ये उस टाइम की रेसिपीज़ हैं तो आज मैं आप सबके साथ ये वाली रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ और आई होप आप लोगों को ना बहुत कुछ वीडियो ना सीखने को मिलेगा अगर आप लोग ना वगैरह बनाना चाहते हैं तो फिर आप लोग वीडियो को ना कंप्लीट वॉच करते रहिए तो हम लोग खाला के घर पे आ चुके हैं मैंने खाला से पहले ही बोल दिया था कि ना जब आप लोग ना न्याज वगैरह दिलाएंगे तो ना मुझे पहले बता दीजिएगा तो मैं अपने व्यूवर्स के साथ भी नई शेयर करूंगी और उनके साथ भी नई रेसिपीज शेयर कर दूंगी तो उन्होंने बोला हाँ हाँ जरूर तुम आ जाना और ना रिकॉर्ड कर लेना तो यहाँ पे सबसे सब पहले बन रही है खीर तो तकरीबन दस किलो के करीब दूध है और उसको ना अच्छे से बोआल दिलाने के लिए रख दिया इसको ना बोआल आने में भी तकरीबन तीस से चालीस मिनट लगे जब तक दूध में अच्छे से बॉयल आ रहा है तो एक जल्दी से पूरी की रेसिपी चेक कर लेते हैं जी पूियाँ जो है ना ये वो पापड़ी वाली पूरी बनती है जो खीर के साथ खाई जाती है अब एक पतीली में हम लोगों ने सबसे पहले एक ग्लास के करीब दूध ऐड किया है एक कप इसमें हम लोग ने घी ऐड करना है ऑयल भी ऐड कर सकते हैं लेकिन ना ऑयल से इतना अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो घी आप लोग ना जरूर ऐड कीजिएगा घी से बनाइएगा और तीन ग्लास इसमें हम लोगों ने पानी ऐड करना है अब आप लोगों ने फ्लेम ऑन कर देनी है और घी को हम लोगों ने मेल्ट कर लेना है इसको इतना कर लेना है कि ये हल्का ना गुनगुना हो जाए यानी कि नीम गर्म हो जाए इसको हम लोगों ने पकाना वकाना नहीं है बस नीम गर्म कर लेना है यहाँ पर आप लोगों को मैं ना ड्राइंग्रीडियन दिखा रही हूँ तीन किलो के करीब मैदा लिया है और मैदी को आप लोगों ने पहले अच्छे से छान लेना है अब इसमें हम लोगों ने ना एक पाव के करीब सूजी ऐड करनी है मेजरमेंट्स का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है तो तीन किलो मैदे में एक पाव के करीब हम लोगों ने सूजी ली है अब इसमें हम लोगों ने तकरीबन टू टेबल स्पून अच्छे से ना नमक ऐड कर देना है नमक को तो वैसे आप लोगों के हिसाब से ना कम ज्यादा भी कर सकते हैं कि जितना टेस्ट पसंद हो आप लोग कम ज्यादा कर लीजिए अभी जो ड्राई ड्राइंगस को हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो यहाँ पर आप लोगों ने अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है मिक्स करने के बाद जो हम लोगों ने मिक्सचर रेडी करके रखा हुआ था वो थोड़ा सा आप लोगों ने बीच में मैदे बना नहीं है और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और नीम गर्म पानी ही लेना है ये ना, जितनी डो उतनी कुर आप ना क्रिस्पी सी पापड़ी रेडी होगी अगर आप लोग इसकी ना मिक्सिंग अच्छी कर लेते हैं इसकी डो अच्छी सी बना लेते हैं तो ये फिर आप लोगों को अच्छे रिजल्ट मिलेंगे यहाँ पे परात हमारे ना छोटी लग रही थी जिसमें आटा गून रही थी आप लोग उसको परात कहते हैं तसला मुझे कॉमेंट्स में बताइएगा तो हम लोग ने जितनी गुन चुकी रही साइड

कर दिया है और उसका ना हाथ उसी चूरा कर दिया है अच्छा बनास्पति चावल, करने है, चावल नहीं करेंगे। अभी चावल से चार घंटे कोई घोटा नहीं लगाना, बस इसमें आप लोगों ने ना किलो ही पानी ऐड कर देना है बस एक किलो पानी ऐड किया है अब तीन से चार घंटे के लिए हम लोगों ने इसको ना स्लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देना है चावलों के साथ तो ना थिक भी हो जाएगी और पकती भी रहेगी अब थर्ड रेसिपी जो है ना वो बहुत ही मजेदार चाट बनेगी और ये इतनी डिफरेंट चाट होने वाली ना आप लोग ना जरूर ट्राई

ट्यूशन वालों की तो छुट्टी थी तो यहाँ पे मानूर जो ना संडे को भी अपना टेस्ट कर रही है मैंने मानूर से कहा कि आप अपना साथ जर्नल ले लो वहाँ पे आपको टाइम मिलेगा तो तो जर्नल ले आई थी और हमारे आटे को अच्छे से तो तकरीबन तीन से चार घंटे हो चुके हैं अब इसके हम लोग ने ना छोटे छोटे से पेड़े कट कर लेने बिल्कुल मजेदार से ना पापड़िया बनती है अब यहाँ पे हम लोग सारी कलर्स मिलकर ना मजे से पेड़े बना रहे हैं अगर आपके हाथों पर ना ये मैदा चिपके तो फिर आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा खुशका ले लेना है लेकिन ज्यादा खुशका ना आप लोगों तो ने डिप नहीं करना वर्णन अकड़ी अकड़ी सी बनेगी तो बहुत ही कम से लेके आप लोगों ने इस तरीके से पेड़ रेडी कर लेने और पेड़ रेडी करने के बाद आप लोगों ने घी से इसको ना थोड़ा सा कोट कर देना है इनके घी लगा देंगे ना तो फिर ये ड्राई नहीं होंगे हमारे पेड़ पेड़ हमारे यहाँ पे रेडी हो रहे थे अब यहाँ पे मान रहे मेरी कजन ना पूड़िया बेल रही हैं ये पूरी कम बेल रही हैं यहाँ पे ना ये लोग नक्शे बना रही हैं डिफरेंट डिफरेंट मुल्क के मैंने बोला यार ये क्या बना रही हो तुम लोग कोई अगर बन भी रही है सही तो वो फट रही है मैंने हटो बच्चों अब तुम्हारी बहन बनाकर दिखाती है अब मैंने यहाँ पे ना अपनी कारीगरी दिखाई मैं भी यहाँ पे बना रही लेकिन मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ तो मुझसे भी बस टेढ़े मेढ़े बन रहे थे लेकिन यह था कि शेप आउट हल्की सी हो सकती है यानी कि बिल्कुल गोल तो बन ही नहीं रहते हैं हम लोगों से बस जैसी बन रही थी लेकिन बिल्कुल बारीक बननी चाहिए फिर सब ने जो है ना दस से बारह पुड़ियां बनाने के बाद जो ना एक्सपर्ट बन चुके थे सब कारीगर हो गए थे बनाने में फिर हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग ना इसका कारोबार कर लेते हैं सारे बहन भाई सारे कजन मिलकर ना पूड़ियाँ ही बेच लेते हैं हम इतनी जबरदस्त परफेक्ट परफेक्ट बन रही थी शुरू में तो नक्शे बन रहे थे लेकिन जब हम लोग बनाते रहे तो फिर जबरदस्त बन रही थी हम लोग साथ साथ ना मिलाद पड़ रहे थे नाते पढ़ रहे थे और इतना इंजॉय कर रहे थे इतना मजा आ रहा है इतना पूड़ियाँ बेलते हुए नाते पढ़ने का बस यार आप लोग भी जरा सुन लीजिए बसो कोता है हम शे बस नहीं, बे नहीं को पुका। 何 से पूरी हमारी अच्छे से बिल चुकी थी अब कपड़े पे हम लोगों ने इनको ना ऐड कर दिया था और पंखा चला दिया था ताकि जो ना पूरी हमारी अच्छे से सूख जाए और सूखने के बाद ही हम लोगों ने इनको फ्राई करना है अच्छा आप अच्छा, लोगों को एक बात तो बताना मैं भूल ही गई आज जब हम लोग खाला के घर आए वैसे तो खाला के घर इतनी लाइट जाती नहीं है लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ इतनी लाइट जा रही थी इतनी लाइट जा रही थी सिर्फ एक घंटा आ रही थी और चार घंटे जा रही थी मतलब पता नहीं यार आज क्या हो गया आज हम लोगों ने जो वीडियो जो शूट करनी है इसलिए लाइट जाया जा रही है और शबे मेरा जो लाइट जा रही हूँ या इतनी बड़ी रातें हो उसमें भी लाइट बंद कर रहे हैं हमारे मुल्क के आया पता नहीं कब सही होंगे तकरीबन एक घंटे बाद जो हमारी पूरी अच्छे से सूख चुकी थी फिर हम लोगों ने इनको फ्राई कर लिया और घी में हम लोग इनको फ्राई कर रहे हैं मीडियम फ्लेम पर हम लोग इनको फ्राई कर लेना है तो एक टाइम में हम लोग तीन तीन करके पूरी को ना फ्राई कर रहे हैं तकरीबन इसमें भी हम लोगों को दो से तीन घंटे लगे थे तमाम पूरी को यानी कि तमाम पापड़ियों को फ्राई करने में, में आप लोगों ने इनको निकाल के से थोड़ा सा इनका ऑयल अच्छे से एक्स्ट्रा निकाल लेना है ताकि ना क्रिस्पी क्रिस्पी रहेंगे अब मैं आप सबके साथ ना तीन से चार घंटे बाद का रिजल्ट यहाँ पे ना खीर का दिखा रही हूँ अच्छे से ये गाढ़ी हो चुकी है इसको हम लोगों ने बस रख के छोड़ दिया था मीडियम फ्लेम पे अब इसमें हम लोगों ने वन फोर्टी स्पून के करीब नमक ऐड करना है और ये ना मुगलाई खीरे मुगलाई जो मीठे होते हैं ना उनमें नमक लाजम ऐड होता है अगर आप लोग कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो नमक आप लोग ने पिंच ऐड करना है इनके एक चुटकी ये ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें हम लोगों ने वन फोर टी स्पून नमक ऐड कर दिया है अब इसमें हम लोगों ने तकरीबन ना तीन पाव के करीब चीनी ऐड कर दी है चीनी की क्वान्टी वैसे आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं किलो के करीब भी चीनी इसमें ऐड हो सकती है अच्छा चीनी ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसको मुसलसल चलाते रहना है तकरीबन आप लोगों को यहाँ पे भी ना तीस से चालीस मिनट लगेंगे क्योंकि जब हम लोग चीनी डालते हैं तो ना खीरें हमारी थोड़ी पतली हो जाती है क्योंकि चीनी मेल्ट होती है वो डिजाल्व होती है फिर उसके बाद चीनी का पानी सूखता है तो इसमें आप लोगों को तीस से चालीस मिनट लगेंगे और चम्मच आप लोगों ने मुसलसल चलाते रहना है ताकि जो खीर वो अब लगे नहीं पहले तो खीर लगने का कोई डर नहीं होता जलने का लेकिन जब चीनी डाल देते हैं तो फिर उसके बाद डर होता है कि ना खीर जल भी सकते जब खीर में अच्छे से बुलबुलें फूट रहे हैं और आप लोगों को लो लगे कि खीर हमारी अच्छे से थिक हो चुकी है पानी इसका सूख चुका है तो फिर आप लोगों ने इसका कूला बंद कर देना होता है और गर्म गर्म में ही आप लोगों ने इसको बॉल में ट्रांसफर कर लेना होता है क्योंकि खीर हमारी ना सट होना स्टार्ट हो जाती है ऊपर से आप लोगों ने बादाम पिस्ते इसमें ऐड करने हैं और इस तरीके से आप लोगों ने जो भी बाउल्स वगैरह बनाने हैं प्यालियाँ वगैरह कटोरियाँ बनानी है वो आप लोग ना बना लीजिए और है, यहाँ पे जो पूरी है वो भी रेडी हो चुकी है, है।, है, है, है अब हम लोग रेडी कर लेनी है चाट तो उसकी रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ जल्दी चाट की तो रेसिपी शेयर करती हूँ लेकिन उससे पहले ये चेक कीजिए जो पतीला चाटने का काम होता है ना पतीले को साफ करना ये खीर इसमें जो लगी हुई होती है ना खोया लग रहा होता है बिल्कुल और पूरियों के साथ यानी कि क्रिस्पी पापड़ी के साथ तो और अच्छी लग रही होती है इस तरीके से कौन कौन कर कर जरा मुझे कॉमेंट्स बताइए आपके बहन भाई करते हैं कजन वगैरह करते हैं कौन कौन करता है यहाँ पे तो हम लोग सब मिलकर ना पतले को साफ कर रहे हैं चाट बना के चने को हम लोग ने प्रेशर कुकर में चढ़ा दिया है वो अच्छे से बॉयल हो रहे हैं साथ ही ना आलू पे बॉयल हो रहे हैं एक किलो के करीब यहाँ पे आप लोग चने चेक कर सकते हैं कि ना अच्छे से गल चुके हैं बिल्कुल ना मुलायम से हमारे चने होने चाहिए चाट के इंग्रीडियंट यहाँ पे ना मैंने तमाम निकाल के रखवा लिए थे ताकि जो है ना आप लोग के साथ आसानी हो जाए शेयर करने में तो आलू हमारे अच्छे से कट हो चुके हैं इनको ना आप आपने क्यूब में कट कर लेना एक किलो के करीब आलू में बाकी इंग्रीडियंट आप को ना शेयर कर देती हूँ जैसे प्याज टमाटर धनिया पुदीना इमली हम लोगों ने भिगो के रख ली थी अब चाट की मेकिंग स्टार्ट करते हैं तो एक पतीली में हम लोगों लो ने सबसे पहले ना पानी ऐड कर, हाँ कर लेना है इसमें हम लोगों ने पहले ना जर्दा फूड कलर ऐड करना है तकरीबन ना हाफ टेबल स्पून के करीब इसमें पानी आप लोगों ने तकरीबन दो से तीन लीटर के करीब लेना है पहले तो थोड़ा तो तो सा पानी था अब ये तकरीबन दो से तीन लीटर के करीब पानी है अब इस पानी में हम लोगों ने अच्छे से ना एक बॉयल लेना है जब तक इस पानी में बॉयल आ रहा है हम लोग ना कॉनफ्लावर का स्लरी रेडी कर लेते हैं तो हसबस वक्त पानी में हम लोगों ने तकरीबन ना थ्री टेबल स्पून या टू टेबल स्पून के करीब ना पहले कॉर्नफ्लावर को घोल लेना है अच्छा ये कॉर्नफ्लावर अभी आप लोगों को कम बता रही हूँ पहले आप लोगों ने दो टेबल स्पून इसमें ऐड कर नहीं है अगर इसकी कंसिस्टेंसी आप लोगों को कम लगेगी तो फिर आप लोग ना कॉर्नफ्लावर और भी ऐड कर सकते हैं उसको घोल के तो पहले आप लोग ना थोड़ा सा ऐड कीजिए अगर कम लगे तो फिर और ऐड कर लीजिए पानी में ना अच्छे से आ चुका है अब आप लोगों ने चम्मच चलाते रहना है और कॉर्नफ्लावर वाली इसलिए को वा आप लोगों ने ऐड करते रहना है ताकि इसमें ना कोई भी लम्स वगैरह ना पड़े अच्छा आप लोगों को ना यहाँ पे कम लगे ना फिर आप लोग ना थोड़ी सी कॉर्नफ्लावर की स्लरी और ऐड कर दीजिए जैसे हम लोगों को अभी कम लग रही थी तकरीबन इसमें हम लोगों ने थ्री टेबल स्पून की स्लरी ना और ऐड कर दी तकरीबन इसमें फाइव टेबल स्पू गए हैं तो आप लोग ने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको भी हम लोग ने तकरीबन से से मिनट के लिए अच्छे से कुक करना है ताकि जो कच्चापन दूर हो अब हम लोग ने टू फाइव स्पून इमली को ना पानी में घू रखा हुआ था उसको साफ करने के बाद उसका पानी हम लोग ने ऐड कर देना है वो माजत के साथ ना कैमरा जो बंद हो चुका था वो पहले ही एड हो गई और कैमरा ऑन नहीं था तो इमली का पानी ऐड हो चुका है इसमें एक किलो के करीब बॉइल्ड आलू भी ऐड हो चुके हैं जिनको क्यूब्स में कट कर लिया आधा किलो इसमें हम लोगों ने प्याज ऐड करना है बिल्कुल बारीक बारीक कट करके आप लोगों ने प्याज को ऐड करना है टमाटर इसमें हम लोगों ने एक किलो के करीब ऐड करनी है अच्छा

हाफ कप के करीब दोनों चीजें अब ये ऐड करके भी आप लोगों ने इसको ना मिक्स कर लेना है इसकी कंसिस्टेंसी आप लोग अपने हिसाब से कम ज्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि प्याज टमाटर जाने के बाद ना ये थोड़ी सी पतली हो जाती है वो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा दस्तरखान अच्छे से लग चुका है तमाम चीजें टेबल पे आ चुकी हैं कि ये पूरी चने हमारे यहाँ पे रेडी हो चुके हैं अब यहाँ पे न्याज की तैयारी हो रही है माशाल्लाह से तमाम चीज़ें हमारी डिश आउट हो चुकी हैं और ये आप लोग बॉल में देख रहे हैं ये मम्मा ना आलू की तरकारी घर से बनाकर लेकर आई थी जो कि बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी थी और आलू की तरकारी की रेसिपी मेरे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगी अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो उसकी रेसिपी भी चेक कर लीजिएगा आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को रेसिपी सीखने को मिली होंगी और कुछ न्यू डिफरेंट आप लोगों को मिली होगी रेसिपीज तो आप लोगों ने जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पर अगर आप लोग न्यू हैं तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ मिलती रहें और ये वीडियो बनाने में ना बहुत ही मेहनत हुई तो भाई आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी तो आप लोगों ने इसको जल्दी जल्दी आगे शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के ग्रुप में जल्दी जल्दी शेयर करिए व्हाट्सएप पे या फिर जहाँ करना न कर सकती हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप लोगों ने कॉमेंट्स में बताने की आप लोगों को सबसे ज़्यादा चीज़ कौन सी अच्छी लगी कौन सी रेसिपी अच्छी लगी तो नेक्स्ट रेसिपी आप वीडियो में मिलते हैं दुआओं में याद रखिएगा हाफिज़